दमोह की बड़ी खबर से करेंगे। बता दें आपको, खेलते खेलते दमोह में एक बच्चा कुएं में जा गिरा, लेकिन राहत की बात यह है कि स्थानीय लोगों की सतर्कता से, मुस्तैदी से इस बच्चे की जान बच गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, कोतवाली थाने के सिविल वार्ड की घटना, जहां दमोह में एक बच्चा घर में खेलते खेलते कुएं में जा गिरा और इसी दौरान जैसे इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी के साथ बच्चे की जान बचाई। सीसीटीवी देखे किस तरह से बच्चा खेलते खेलते घर में ही बने कुएं में जा गिरा। देखिए घर में ही लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, जहां अन्य बच्चे के साथ खेलते खेलते ये मासूम कुएं में जा गिरता है और उसकी जानकारी जो दूसरा बच्चा आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो जाकर परिजनों को देता है, स्थानीय लोगों को देता है और उसके बाद इस बच्चे को सुरक्षित इस कुएं से बाहर निकाला जाता है। मनीष सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, क्या ज्यादा जानकारी, बच्चा सुरक्षित है? जी हाँ बिल्कुल, बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल ये मामला दमोह के सिविल वार्ड में रहने वाले पवन जैन के घर का है। उनके घर के बाहर एक कुआं बना हुआ था, यहाँ पर दो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कुएं की जाली के ऊपर खड़ा होता है और अचानक जाली टूट जाती है और वह कुएं के अंदर जा गिरता है। दूसरा बच्चा काफी स्मार्ट था, उस बच्चे को जानकारी दी कि वह पाइप लाइन पकड़कर वहीं पर रहे। उसने अपने माता पिता को जानकारी दी, माता पिता वहां पर पहुंचे, पवन जैन ने खुद अपने शरीर में रस्सी बांधी और कुएं में कूदकर उस बच्चे की जान बचाई। ये पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी खतरनाक मंजर है जब बच्चा कुएं के अंदर गिरता है, लेकिन उनके माँ बाप की सतर्कता की वजह से और उस बच्चे की सतर्कता की वजह से जो बाहर मौजूद था उस बच्चे की जान बचाई जा सकी। जया शुक्रिया मनीष फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि बच्चा कुएं पर लगी जाली पर खड़ा हुआ था और वो जाली अचानक से टूट गई। लेकिन ऐसे में अगर घर में आप तमाम जो लोग हैं अगर वो ये खबर देख रहे हैं तो उनके लिए है कि घर में आप अगर कुएं, बोरवेल या इसके साथ ही टैंक खुदवाते हैं, बनवाते हैं तो उस समय उसे ढकने के भी उचित इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि आपके घर में अगर बच्चा है तो खेलते खेलते इस तरह की लापरवाही हो सकती है, इस तरह की घटना आपके साथ भी हो सकती है। राहत की बात यह है कि दमोह में जो घटना घटी है सिविल वार्ड में, ये बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन ये तमाम पेरेंट्स को, अभिभावकों को सावधान करने वाली खबर है।